हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक ज्ञान। मैं आपको आज बताऊंगा कि अपने वीडियो के लिए इंट्रो कैसे बनाएं। इसके लिए आपको क्या करना है, सीधे आपको अपने वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर पे जाना है और इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने हिसाब से अपना एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करें कि आप किसके लिए, किस चीज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं। इसके लिए जैसे मुझे YouTube के लिए बनाना था 16:9, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको जहाँ पे आप वीडियो बना रखे हो, डाउनलोड किया हुआ, उसको पिक करना है। जैसे मैंने डाउनलोड कर लिया तो उसे पिक कर लिया। उसके बाद ओके करना है। उसके बाद आपको उसको आप प्ले करके आप देख सकते हो, कुछ इस तरह का ये डाउनलोड हो गया। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आप अपना लोगो इंटर करना है। इसके लिए आपको क्या जाना है, लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे जाओ, आप अपने वीडियो का लोगो सेलेक्ट करो। मैंने इसे लोगो सेलेक्ट कर लिया। आप अपने हिसाब से लोगों को इस जगह पे आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया। उसके बाद आप प्ले करके चेक कर लो कि आपको कहाँ पे लोगो चाहिए। जैसे मुझे यहाँ चाहिए तो अपने हिसाब से यहाँ एडजस्ट कर लो आप अपने दूर के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पीछे जाना है, अपने हिसाब से ये एडजस्ट देख लो आपको कहाँ तक चाहिए। जैसे यहाँ तक ये प्ले हो रहा है, बस यहाँ पे आके यहाँ तक करना है आपको क्लिक। के बाद आप प्ले करके एक बार देख लो कि आपका लोगो उसके हिसाब से बराबर सेट हो रहा है या नहीं। आपको हल्का सा कम करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा कम लग रहा है वो। अभी देखो आप बिल्कुल सा सेट हो गया। इसके लिए आपको साइड डाउन पर जाना है, आउट एनिमेशन पे जाओ कि आपको अप लेना है, डाउन लेना है, आप इस हिसाब से सेलेक्ट कर लो। जैसे मुझे साइड डाउन लेना था, मैंने साइड डाउन ले लिया, टाइमिंग डाल दिया मैंने, उसको ओके कर दूंगा। फिर उसी हिसाब टाइम के हिसाब से ये यहाँ से शिफ्ट होके चला जाएगा। ओके, अब इसके लिए आपको क्या करना है, कब हो गया सारा चीज हो गया, आपको इस पर अपने चैनल का नाम लिखना है। कुछ नहीं, सीधे लेयर पे जाओ, टेक्स्ट पे जाओ। टेक्स्ट पे जाने के बाद अपने चैनल का नाम टाइप कर दो। नाम टाइप करने के बाद आपको ओके करना है। आपको जहाँ चाहिए उस हिसाब से आप फिक्स कर लो। उसके बाद आपको अपने हिसाब से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप अपने आप से फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने पहला फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसे हिसाब से एडजस्ट कर लो। कलर कैसा चाहिए आपको, कलर जैसा यहाँ पे है, मुझे ब्लैक लगाना है तो ब्लैक लगा दूंगा। उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, शेडो लगाना है, ग्लो देना है, आउटलाइन देना हो आप दे सकते हो। जैसे मान लो ये हुआ, इसमें बैकग्राउंड लगाना चाहो तो आप बैकग्राउंड भी लगा सकते हो। इसके लिए यहाँ पर जाओ, जिस भी कलर का बैकग्राउंड लगाना हो उसे ओके कर दो। बैकग्राउंड आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। बैकग्राउंड ऑन कर दो आप, देखो आपका ये शो होने लगा। मुझे ये अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ। आपको फिर वही बैकग्राउंड ऑफ कर दो। अब वीडियो शुरू से प्ले करके चेक कर लेते हैं। ये हुआ हमारा आ गया। देखिए अभी तक हमारा ये लोगो ऊपर ही है। इसलिए हम यहाँ पे जाएंगे, सबसे सेलेक्ट कर लेंगे कब तक ये हट रहा है हमारा। ठीक है जी, पहले वीडियो बनाना है सिंपल, प्ले करके चेक कर लो। चैनल आ गया, आपका नाम आ गया, उसकी टाइमिंग सेट कर चेक कर लेते हैं। टेक्स्ट पे जाएंगे,
आउट एनिमेशन पे जाना हमें, इस पर जाके हमें साइड डाउन साइड अप कुछ भी कर सकते हो। मुझे साइड डाउन करना है, नीचे लाना है, स्टार्ट कर दिया, टाइम इंसर्ट कर दिया। अब आप देख लो इसके हिसाब से ये सेट हो गया। ठीक है, अब आपको म्यूजिक लगाना है, टोन लगाना है, ऑडियो पे जाना है। अब जो भी म्यूजिक रखे हो यहाँ पे मिले ऐड कर देना है। ओके, प्ले करके आप चेक कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे जाना, आपका देख लो सब कुछ सेट हो गया। कटोन बैन क्या सिंपली आप उसे प्ले करके भी चेक कर सकते हो मेरा कैसा बना है। इसके लिए आप सिंपली प्रेस करो,